हेलो भाई, आज बात करेंगे रीप की राजस्थान के साथ। हाँ जी, रीप की बात राजस्थान के साथ। वैसे तो बहुत सारे बच्चों के सवाल है, काफी सारे, अब कि ये राजस्थान की चॉइस भी लिंक करनी है हमें। हाँ जी, यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट करना है, ब्रांच भी सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए हमें। हाँ जी, तो वैसे आप लोग चॉइस भी लिंक कैसे करोगे? हाँ, अब वैसे 7 से 8 कॉलेज पूरे हैं जहाँ पे आपको पढ़ना है। हाँ, उसके अलावा सारे बेकार है। हाँ जी, आज सारे के सारे बेकार है। आज तो पहले कुछ कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। देखो यार, जो जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, कोटा है और उदयपुर है। अजी, ये 5-6 लोकेशन है जहाँ पे आपको ठीक ठाक रहने को मिल सकता है, जहाँ पे ठीक ठाक कॉलेज भी है, 1-2 छोटी मोटी कंपनी भी है, इंडस्ट्री भी है। हाँ, और ट्रेन वगैरह आपको आसानी से मिल जाता है। तो आप लोग दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा की तरफ निकल सकते हो। तो ये सारा सीन है। वरना जो अनोदर जो लोकेशन है, ठीक है, आप वैसे तो बहुत सारे कॉलेज है राजस्थान में। हाँ जी, हर जगह कॉलेज है। अब आपको पता भी नहीं होगा, आप शहर के जिस कोने में जाओगे पत्थर के मारोगे किसी ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को जाके लगेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप अगर किसी अदर लोकेशन में जाते हो, जैसे कि बीकानेर, भरतपुर, जैसलमेर, पाली, भीलवाड़ा, हाँ, झालावाड़, डूंगरपुर, चूरू, इधर क्या है कॉलेज तो काफी सारे। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे कॉलेज खोल रखे हैं, बीएससी के कॉलेज, बीटेक के कॉलेज, प्राइवेट वालों ने भी अपने छोटे छोटे कॉलेज खोल रखे हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी का मेन कारण वही कॉलेजेज है। हाँ जी, वहाँ पे कोई बड़ी नहीं आती, उनके पास इनोवेशन भी नहीं है, इंफ्रा भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बस प्रोफेसर रख रखे हैं, बस प्रोफेसर ही रख रखे हैं जी, और उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। और आप लोग चले जाते हो यार रीप के थ्रू एडमिशन लेना है। हाँ जी, रीप के थ्रू एडमिशन लेना है। आज थोड़े से अभाव में, हाँ, काउंसलर को थोड़े पैसे ना देने के चक्कर में भैया अपने पैसे बचा लेता हूँ मैं तो, यूट्यूब से देख देख के अपनी काउंसलिंग कर लूंगा। हाँ, और अपनी सारी की सारी जिंदगी बिगाड़ लेते हो आप लोग। वैसे अगर बता दो, आप लोग जो काउंसलिंग करते हो, हाँ, ये जो 4 साल है इंजीनियरिंग के, ये आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड करेगा। हाँ जी, 4 साल जो गुजारने वाले हो, अभी ऑलमोस्ट बच्चों की एज 18 साल है। हाँ जी, जब इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलोगे आपकी एज हो जाएगी 23 साल, 24 साल। हाँ जी, और शादी की उम्र हो जाएगी, पैसे घर वालों को कमा के देना पड़ेगा। हाँ, जिंदगी एक नया ही मोड ले लेगी। वो मोड कैसे लेगी भैया? हाँ, आप अगर अच्छे कॉलेज में हो, आप एक अच्छी लोकेशन में हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा इनोवेशन है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, देन तो जीवन में कुछ कर लोगे। और ना अगर लल्लू लाल जगह रह गए, हाँ, रामपुर, गगनपुर, पुर, तो वहीं पे वैसे ही बैठे रह जाओगे। हाँ जी, कोई कुछ नहीं कर पाओगे, बस यूपीएससी, आईएएस, आरपीएस है राजस्थान में, जैसे आज हर बच्चे के साथ हो रहा है भैया। हाँ, रीट की एग्जाम, पटवारी की एग्जाम, रेलवे की एग्जाम, एसएससी, डीसीजीएल, और लास्ट में बेरोजगारी, धरना प्रदर्शन, ट्रेन जलाओ, पटरी जलाओ, ये सारा माहौल रहने वाला है। इसलिए राजस्थान में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आपकी अगर रीप के अंदर रैंक की 600 आ रही है, 700 आ रही है, या फिर 500 तक आ रही है, आपको राजस्थान में ठहरना चाहिए। आपको लाइक कॉलेज, ढंग का कॉलेज, ठीक ठाक कॉलेज मिल सकता है। अगर इससे ज्यादा आपकी रैंक है, आपकी अगर 1000 से रैंक है, ज्यादा है, तो हम आपको बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं करेंगे भैया आप यहाँ पर रहो। आप बाहर जा सकते हो। हाँ, आप सपनों के सर गुजरात में जाओ, वहाँ पे इतनी ज्यादा इंडस्ट्री है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना ज्यादा फंडिंग है। हाँ, आप पंजाब जाओ, महाराष्ट्र इंडिया का सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजों वाला स्टेट बन चुका है आज। हाँ जी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है। आप महाराष्ट्र में जाओ, हमारा बोर्ड लाइन नंबर दे रखा है, इस पे आप लोग कॉल कर सकते हो भैया। आपकी रैंक पे आपके लिए बेस्ट कौन सा कॉलेज है? हाँ, आपने जेई का एग्जाम ही नहीं दिया, फिर आपको कौन सा अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। खैर, हमारा मुद्दा है राजस्थान का, हाँ, चॉइस फिलिंग का, आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ अच्छे कॉलेजेस के। कुछ ही लोकेशन में आपको बताऊंगा, वो लोकेशन आपको चूज करनी है, उस लोकेशन में जो ठीक ठाक कॉलेज आ रहा है उनको आप लोग भर सकते हो। उसके अंदर मैं बात करूंगा पहले जयपुर की। हाँ जी, जयपुर में वैसे मेजोरिटी प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, जैसे कि जेएससीआरसी हो गया, पूर्णिमा हो गया, एंड लॉट ऑफ कुछ और भी कॉलेजेस है जो कि रीफ राजस्थान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं जोधपुर की तरफ। हाँ जी, जोधपुर के अंदर भी एक कॉलेज है जिसका नाम है MBM इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद में जोधपुर में एक और कॉलेज आता है जिसका नाम है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी।
यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है उससे एफिलेटेड काफी सारे कॉलेजेस आते हैं। तो अगर कोई कॉलेज लॉट ऑफ कॉलेजेस तो वैसे बीएससी प्रोवाइड करते हैं राजस्थान के अंदर, तो उसके अंदर भी कुछ कॉलेजेस है जो कि बीटेक प्रोवाइड करते हैं, आप उसको टारगेट कर सकते हो। उसके बाद में हम जोधपुर से आते हैं भैया कोटा। हाँ जी, कोटा के अंदर आपको एक आरटीयू कोटा मिलता है, उसके बाद में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है। हाँ जी, आपने एक यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। हाँ जी, जो कैरियर पॉइंट ग्रुप है बहुत सारे लोगों ने वहां से जेई की प्रिपरेशन की होगी। वो लोग क्या करते हैं बेसिकली उनका अलग ही फंड है। हाँ जी, आप जेई की प्रिपरेशन के साथ साथ में हमारी डिग्री भी ले लो, ऐसा कहीं सुनने को मिला है, हालांकि इसका ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं है। उसके बाद में सीटीई उदयपुर के अंदर कॉलेज है और कुछ कॉलेज प्राइवेट कॉलेज भी है उदयपुर के अंदर। हाँ जी, और कुछ अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है जैसे कि महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के लिए काफी फेमस है। हाँ जी, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी काफी बेकार कॉलेज है। उसके बाद में अगर बात करूं अजमेर की, अजमेर के अंदर भी एक दो कॉलेज ठीक ठाक है, गर्ल्स के लिए है, एक अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज है। हाँ जी, उसके बाद में क्या कॉलेज है भैया, हाँ उसके बाद में भी कॉलेज है क्या, उसके बाद में आप जयपुर की तरफ निकल सकते हो भैया। हाँ जी, जयपुर के अंदर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे ठीक ठाक। अलवर दिल्ली के थोड़ा नजदीक पड़ता है, अलवर के अंदर आपको कुछ प्राइवेट कॉलेज मिल जाते हैं ठीक ठाक प्राइवेट कॉलेज। आप बहुत सारे रीत के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, आप बहुत सारे रीत में पार्टिसिपेट करते भी नहीं है। हाँ जी, उसके बाद आप जयपुर की तरफ निकल सकते हो। हाँ जी, जयपुर में भी ठीक ठाक कॉलेज आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाते हैं। उसके बाद हमको कोई ऐसा लोकेशन नहीं मिलता जहाँ पर आपको जाना चाहिए अब, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, या तो वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं है भैया, रेलवे नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, आपको इंटर्नशिप ही नहीं मिलेगा कहीं पे, आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पे प्रोफेशन नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। तो चार साल अपनी इतने लाखों रुपए आप लगाओगे क्यों? हाँ, एक यूनिवर्सिटी का जो नॉर्मल फीस है 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए पर सेमेस्टर। अब क्यों खराब करने आपको इतने पैसे, क्यों अपने पेरेंट्स की जिंदगी बर्बाद करनी है? इसलिए आप अदर स्टेट में जा सकते हो भैया, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। इसके लिए हमारा बोर्डलाइन नंबर दिया है, आप लोग इस पे कॉल कर सकते हो। हमारी तरफ से जितनी हेल्प हो सकती है हम आपकी हेल्प करते हैं। थैंक यू।